किसान बिल के खिलाफ किसानों, संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा आज भारत बंद का ऐलान होने के बाद बंदी का मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार में इस बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। ठंड के बावजूद विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही कई जगहों पर सड़क जाम कर दिया तो कई जगहों पर रेल यातायात को भी प्रभावित किया है। हालांकि बंदी के कारण आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। जमुई के बाहर इलाके में भी विपक्षी दलों ने जमकर सड़क पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण वाहन की लंबी कतार लग गई, जिसमें शादी कर दुल्हन संग अपने घर लौट रहे दूल्हा और बारात भी जाम में फंस गए। चकाई में किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद के दौरान सुबह से ही समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। बंद समर्थकों ने NH 333 को जाम कर दिया। चकाई मोड़ पर सड़क जाम के दौरान बंद समर्थकों ने कई ट्रकों के टायर की हवा निकाल दी और कृषि बिल के विरोध में नारेबाजी भी की। झाझा सोहजाना चौक में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। राजद कार्यकर्ताओं सभी गाड़ियों को रोककर नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं बंद के दौरान बिहार के कई जिले में भी विपक्ष की सभी पार्टियां इसके समर्थन में खड़ी है। पुलिस मुख्यालय ने आज के बंद को देखते हुए सभी जिलों के SP को अलर्ट किया है। जो भी गड़बड़ी फैलाएगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जिले में सभी चौक चौराहों पर सुबह से ही पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जमुई में भी भारत बंद को लेकर SP ने सभी थानाध्यक्षों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। शहर के चौक चौराहों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इधर जमुई बाजार में भी भारत बंद का असर सुबह से ही दिखा। सभी दुकानें बंद पाई गई।